जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर नदीम हयात मलिक हमारे साथ बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं नौजवानों में बढ़ते हुए रुझान की हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, और इसके अलावा दिल की बीमारी, दीगर बीमारियां उनके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो बात जो उन्होंने बताई है पता है कि वो ये कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। हमारी यंग जनरेशन काफ़ी अपनी डाइट भी सही नहीं रख रही और जो डाइट कर रही है वो भी गलत है। फास्ट फूड्स का ज़्यादा रुझान, दौड़ते भागते खाना खाना, घर की खानों का इस्तेमाल ना करना, और इसके अलावा गलत ऑयल्स का इस्तेमाल, एक्सरसाइज का भी जिक्र हुआ है। इनसे पूछते हैं एक्सरसाइज क्या इंसान को करनी चाहिए जो कि रेगुलर होनी चाहिए, मगर थोड़ी क्या बताएंगे ये। और इसके अलावा भी दो तीन ऐसी बातें जो डिस्कशन में शामिल हैं, अभी इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात कर ली सबसे बड़ी बात डाइट की कि हमारी डाइट, अव्वल तो लोग हम सही तरीके से खाते नहीं हैं और अगर खा लें तो फिर सही चीज़ें नहीं खाते, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ होगी कि एक्सरसाइज का, आपने कहा कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, दिन में कितनी एक्सरसाइज हो विच इज़ कार्डियो फ्रेंडली। देखें जी, जो एवरेज अगर आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कर लें जो कि 45 मिनट्स तक हो, हाँ, और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव, हाँ, वेट ट्रेनिंग या बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अबव 40 या अबव 45 हैं तो मॉडरेट ब्रिस्क वॉक जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा स्विमिंग, साइकिलिंग भी अच्छी समझी जाती हैं, क्योंकि ये सारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज हैं जिनमें पूरी बॉडी के मसल्स यूज होते हैं। और इसके अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल जी बहुत जरूरी, हाँ, है। अगर आपके ऑफिस में स्टेयर्स हैं तो कोशिश करें लिफ्ट ना यूज करें, हाँ, स्टेयर, हाँ, से जाएं, उससे आपका वेट भी कम होगा और आपकी फिजिकल कंडीशनिंग भी बेहतर होगी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक एटीट्यूड में चेंज है, कि जैसे हमने पहले जिक्र किया कि नौजवानों की कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये अब प्रूवन है कि अगर आप 25 साल की उम्र में स्क्रीनिंग कर लें और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या शुगर के प्रॉब्लम्स डिटेक्ट हों या अर्ली उनका पता चल जाए, वो अपनी परहेज और एहतियात से एक नॉर्मल जिंदगी में एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर उस वक्त पता चले जबकि ऑलरेडी खून की नालियों में ब्लॉकेज डेवलप हो चुकी है, तो फिर उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। तो जितनी अर्ली डिटेक्शन हो बीमारियों की, इसीलिए 80% जो डेथ्स हैं हार्ट डिजीज से वो इस वक्त पुअर और जो बदकिस्मती से जो मतवसत तबका और उससे लोअर क्लास है उनमें दिल की बीमारी ज्यादा है। सही। और कहते हैं डॉक्टर साहब कि जो यूजुअली द हार्ट अटैक्स दैट हैपन इन द यंगर एज ग्रुप दे प्रूव फेटल समटाइम्स। जी वो इसलिए चूंकि हार्ट अटैक के बाद इंसान का जो सर्वाइवल है वो उस पर फर्क पड़ता है। इसके अलावा दवाइयाँ ताउम्र खानी पड़ती हैं और एक पूरा एक खानदान की लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है और वो उलट पुलट हो सकती है। स्मोकिंग के ऊपर क्या कहेंगे? स्मोकिंग और इसके अलावा जो शीशे का रुझान है, क्योंकि शीशे का आपको सुना होगा आपने कि लोगों को मैं ये फैला रहे हैं और हम इस प्रोग्राम से यही लोगों को बता रहे हैं कि शीशा इज़ नॉट हार्मलेस। देखें जी, जो हार्ट डिजीज़ है वो इस वक्त तकरीबन 1 साल में 2.25 करोड़ लोगों की डेथ हो जाती है ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और अब ये देखा गया कि स्मोकिंग जो है वो चूंकि लो इनकम मुल्कों में बढ़ रही है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, और यंग एज में है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ वालों ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2020 में 1 करोड़ डेथ्स जो है वो डायरेक्टली स्मोकिंग की वजह से होंगी। तो दैट मींस कि स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा 20 में, अब तो मतलब और 9 साल बाद, सिर्फ 8-9 साल बाद, यानी इस तेजी से ये बीमारियों को बढ़ा रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि स्मोकिंग के ऊपर एब्सोल्यूट बैन होना चाहिए। सही कह रहे हैं। और स्पेशली जो यंग एज में बिलो 18 या बिलो 20 अगर कोई सिगरेट या ऐसी चीज खरीदने जाए या उनको देनी नहीं चाहिए, तो उनको बाय लॉ जो है उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जब तक वो बालिग ना हो और समझ ना सकें कि उनके लिए कितनी नुकसानदेह है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और साहब, मैं अब्दुल हफीज बोल रहा हूँ। जी अब्दुल हफीज साहब, आपका डॉक्टर साहब से क्या क्वेश्चन है? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली प्रोफेसर अजहर साहब का पेशेंट हूँ, तो मैं उनसे अगर वो सामने आए थोड़ा सा स्क्रीन पे कर दें। हाँ जी, उनसे पूछना चाहता हूँ। यानी एक्चुअली मैंने थ्री स्टंट मैंने डाली में दिल में ना। ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं सबसे पहले जब ये स्टंट इजाद नहीं हुए थे तो मैं म्यूस हॉस्पिटल में गया था, उस वक्त ये
गालिबन असिस्टेंट प्रोफेसर थे। अच्छा अब्दुल हफीज साहब अपना क्वेश्चन जरा शॉर्ट कीजिए। अमेरिका में है। हेलो। तो उन्होंने जो है वो मेडिसिन लिख के, जरा क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, लाइन ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल में जी। स्टेंट्स के बारे में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि स्टेंटिंग इज इट ओके फॉर अ पर्सन हु इज मे बी बियॉन्ड 30 एंड हैज हार्ट डिजीज, तो उनमें स्टेंटिंग हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। स्टेंटिंग इज अ वेरी सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर ब्लॉकेज जो है वो किसी भी नाली को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करे, जैसे 70% ज्यादा नैरोइंग हो जाए या उसकी वजह से जाना शुरू हो जाए, तो उसका इलाज एज ए चॉइस या एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग से होता है, या अगर वो नहीं हो सकती तो फिर सर्टन सिचुएशन में बाईपास ऑपरेशन। यंग एज में स्टेंटिंग इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे एक तो ये कि मरीज बड़े ऑपरेशन से बच जाता है और उसकी एक जो हेल्दी लाइफ है वो चलती रहती है। क्योंकि स्टेंटिंग जो है वो विदाउट सर्जरी है, अगले दिन या उसी दिन शाम को मरीज को हम घर भेज देते हैं और वो बाद में फिर फॉलो अप में आते रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स हैं सर्वाइवल पे, वो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है बिटवीन ऑपरेशन एंड स्टेंटिंग। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई जी। अच्छा बात यह है कि अभी अगर हम अभी तक जो आपकी और मेरी बात हुई है और जो हमारा टॉपिक है कि नौजवानों में जो हार्ट डिजीज़ है हम उसको कैसे लेस कर सकें, तो आपने पहला उसका पॉइंट ये बताया कि एक तो हमें अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करना है। दिस इज़ नॉट अबाउट अ डे और टू और मे बी इवन अ मंथ। दूसरी चीज़ आपने ये कही कि डाइट की तरफ ध्यान, और तीसरी चीज़ आपने एक्सरसाइज जो कि रेगुलर हो, और चौथी चीज़ आपने तंबाकू नोशी या कोई भी एडिक्शन जो है उससे आपने परहेज बताया। इसके अलावा कोई रिस्क फैक्टर? इसके अलावा जो ओबेसिटी या ओवरवेट होना है ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसके साथ डायबिटीज़ का ताल्लुक है, और चूंकि आपका अपना फील्ड भी डाइट और वेट रिडक्शन है और न्यूट्रिशन है, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ओबेसिटी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और आपका एक्सपीरियंस इस मामले में ज़्यादा है, लेकिन हमारा वास्ता उन लोगों से पड़ता है जो कि दिल की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, और उस वक्त हम देखते हैं कि अब इनका वजन किस तरह कम किया जाए ताकि इनकी जिंदगी जो है दोबारा नॉर्मलाइज की जाए। सिर्फ मोटापा ही कम करने से वो जो कार्डियक स्टेटस है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। कितनी अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपकी वो जो है निश्तर उसके नीचे उस वक्त नहीं आना पड़ता। जी बिल्कुल। नाजरीन एक ब्रेक ले लें फिर वापस आ जाएं।